वेलकम टू विजय कुकिंग चैनल में सबका स्वागत है। दोस्तों आज बनाने वाले हैं क्रीमी कढ़ाई चिकन रेसिपी। दोस्त बेहतर रहेगा, बच्चा से छोटा सब आदमी खा सकेगा, बड़ा आदमी खा सकेगा, बहुत बेहतर। चलिए दोस्तों देरी ना, तो मैं पहले से प्याज उगल के मतलब 100 ग्राम प्याज और 5-6 पीस काजू डाल के इसको पेस्ट कर लिया। पेस्ट करते रहना, पूरा वीडियो देखा नहीं भाई, बहुत बड़ा हो जाएगा। इसमें कढ़ाई के लिए तो काटे मालूम है आप लोग को, ले डायमंड कटिंग, प्याज और टमाटर और हरा कैप्सिकम, जुलियन कटिंग, अदरक ले लिए और एक मिर्ची को, हरा मिर्ची को 3 टुकड़ा कर लिया। ठीक है, आप लोग वीडियो में बने बारी बारी बता रहेगा। दही लिया, क्रीमी लिया, चलो चूल्हा जला के तवा बैठा दिया। इसके बाद में डालूँगा ऑयल, थोड़ा तो चाहिए कढ़ाई में। इसका बाद में चाहिए थोड़ी सी बटर, पहले बटर डाले, बटर का कलर चेंज होता है, मतलब काला कलर हो जाता है। पहले ऑयल डालो, इसका बाद में बटर डालो, तो अच्छा रहता है। दोस्तों सूखा मिर्च डाल दिए 2 पीस, 2 टुकड़ा करके डाल दे 2 पीस। इसका बाद में डालूंगा दोस्तों पेस्ट हुआ प्याज, सारे को डाल देंगे। बॉयल हुआ हुआ ज़्यादातर सफेद नहीं करने को, चूहे का साथ चिकन डालने को, चिकन और छोटा छोटा टुकड़ा का पीस ले लिए, चिकन डाल के पकाना। तो मैं डाल रहा हूँ चिकन, चिकन लिया मैं 200 ग्राम का छोटा छोटा पीस लिया। थोड़ा पकाने के बाद इसका बाद में मसाला डालेंगे। मसाला डालना है दोस्तों, डाल रहा हूँ चिल्ली, कुटा हुआ चिल्ली मतलब पुरस वाला। इसके बाद में डालूंगा दोस्तों धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, कुटा हुआ जीरा पाउडर। इसके बाद चाहिए थोड़ा चिकन मसाला डाल सकते हैं हमारे फेवरेट डिश में, और थोड़ा सा गोल्ड मरीच का पाउडर। तो इसको अच्छी तरह से मसाला के साथ मिक्स कर लेंगे। चाहिए तो पानी डाल सकते हैं, मैं पानी और डालूंगा, दही और डालूंगा। जितना तेल डाला उतना से घुल मिल के तेल उठना चाहिए, तो कढ़ी जबरदस्त होता है। तो थोड़ी सी स्टॉक वाटर डालो, मैं जिस पावर में चिकन पाची तरह से पका लूँगा। डालूंगा थोड़ा दही, मैं दही यूज करना, ज़्यादा खट्टा नहीं है, ज़्यादा खट्टा है तो थोड़ी सी डालिए। तो अच्छी तरह से ऐसे भी कढ़ाई चिकन मेन डिश है दही, दही डाकर कोई भी डालता नहीं कढ़ाई चिकन में। ठीक है, वो क्रीमी वाला बना रहा है, मैं क्रीमी और दही दोनों को मिक्स करके रखा था, जो आप लोग को पता है बोलते थे बता दिए। ठीक है, मैं यूज किया अमूल का करी, वो तो बेहतर है, उसी को ज़बरदस्त रहेगा। आप लोग इस तरह से पावर में थोड़ा ज़्यादा हीट दे के इसको पकाएगा अच्छे से, तो तेल जब तक ऊपर नहीं होता रहेगा। दोस्तों साथ होने से नमक, आप लोग क्वांटिटी हिसाब से नमक डालिए, जितना सामान है वही हिसाब से नमक डालिए। अभी 2 मिनट ढक्कन डाल के रखूँगा, ढक्कन खुलूँगा। वो जिस रोबर छोड़ दिया, मैं जिस पावर दिया था मतलब ज़्यादा पावर दे के चिकन बन गया। हम लोग ऐसे करिए रोबन उठा दिया, लेकिन क्रीम वाला कुछ भी तो जबरदस्त है, और इसमें आएगा नहीं गरम मसाला, गरम मसाला नहीं देने का, फिर
उसके बाद में इसका मसाला जो है कैप्सिकम प्याज इसको तोड़ता मैं इसको फिर से डालूंगा, वही वाला इसको तोड़ता मारूंगा फिर ऊपर से डालूंगा। उसका ऊपर एक मेन चीज बाकी है आप लोग को बताऊंगा जो किसमें जरूरी है डालने की, क्रीमी वाला है वो तो लागना चाहिए। ठीक है, ये तो हल्का सा फ्राई कर लिया, मतलब तड़का कढ़ाई का जो होता है तो पूरा डाल देंगे। तो अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, हमारा क्रीमी वाला कढ़ाई चिकन रेडी हो गया दोस्तों। इसका ऊपर से आएगा थोड़ी सी कस्तूरी मेथी, कस्तूरी मेथी पाउडर वाला गोटा वाला मत डाल, हो गया वो जबरदस्त, ना गर्म मसाला ना कढ़ाई का मसाला, इसमें बहुत ग्रेवी अच्छा है। इसको थोड़ी सी हल्का मसाला से मेजरमेंट कर लेंगे, तो हो गया। अभी थोड़ा बात करेंगे और सब लोग दोस्तों हमारा क्रीमी वाला कढ़ाई चिकन रेडी है। हम एक छोटी से कढ़ाई लिया इसमें डाल के साफ करेंगे गेस्ट को, आप लोग वीडियो में बने रहिए और चैनल को पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूरी दबाए। तो ऊपर से थोड़ा काजू है, टमाटर है, कैप्सिकम है, वो जबरदस्त हरा मिर्ची है। तो दोस्तों